सलमान खान के पिता सलीम खान ने दो टुक जवाब में ही लॉरेंस बिश्नोई की अब पोल खोल के रख दी है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई वही है जो सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है। बीते दिन पहले ही सलमान खान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बाबर सिद्दीकी की गोलियों से हत्या करवा दी। इसके बाद से सलमान खान की जान पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई बार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने लगातार हमले भी किए हैं, लेकिन सलमान खान बाल बाल बचे। लेकिन इसी कड़ी में अब सलमान खान के पिता सलीम खान ने इन सब पूरे मुद्दे पर अपना बयान दिया है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सलमान खान की सुरक्षा को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर पहली बार अब सलीम खान का लॉरेंस बिश्नोई पर गुस्सा फूटा है। आए चले जानते हैं कि सलमान खान के पिता सलीम खान ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या रिएक्शन दिया है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि भी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जब से एनसीपी नेता बाबर सिद्दीकी की मौत के घाट उतारा गया है, तब से सलमान खान के फैंस चिंता में हैं। सलमान खान की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। इसी बीच उनके लिए दुबई से बुलेट प्रूफ कार भी मंगवाए जाने की खबर है। इसी बीच अब पूरे मामले पर सलमान खान के पिता सलीम खान का बयान सामने है। दरअसल सलीम खान ने लॉरेंस बिश्नोई को लताड़ लगाई है। होता यूं है कि सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान ने अभी हालिया में एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये साफ कह दिया है कि एनसीपी नेता बाबर सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कोई भी संबंध नहीं है। पिछले एक साल में सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जो अभी हाल ही में और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बाबर सिद्दीकी की हत्या ने इन खतरों को और बढ़ा दिया है, जिससे सलमान खान के परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी ओर सलमान खान इस समय कड़ी सुरक्षा में रह रहे हैं। उनके हर कदम पर पुलिस की नज़र है, चाहे वो घर से बाहर निकलना हो या फिर शूटिंग स्थल पर जाना हो। दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह द्वारा सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सलीम खान ने इस मामले में अपनी चिंता जाहिर की है। सलीम खान ने साफ तौर पर कह दिया कि सलमान ने कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने इस पर कहा कि सलमान ने अभी तक कोई कॉकरोच तक नहीं मारा है, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। सलीम खान का आगे ये भी कहना था कि लोग कहते हैं कि आप जमीन की तरफ देखकर चलते हैं, आप बहुत शरीफ आदमी हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि ये सिर्फ शराफत की बात नहीं है, मुझे चिंता रहती है कि मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा ना जाए। वैसे जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सलमान खान के पिता सलीम खान ने दो टुक जवाब में लॉरेंस बिश्नोई की लताड़ लगा दी है। इसके साथ ही सलीम खान ये भी कहते हैं कि सलमान खान ने अपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए कितने लोगों की मदद की है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस फाउंडेशन ने रोजाना सैकड़ों लोगों की मदद की है। उन्होंने इस पर कहा कि हर दिन लगभग 400 लोग मदद के लिए आते थे, चाहे उन्हें ऑपरेशन कराना हो या कोई दूसरी मदद चाहिए हो। सलमान खान ने हमेशा हर किसी की मदद की है, तो वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है। फिलहाल सलीम खान के इस पूरे बयान को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।